श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आम के पत्ते के बहुत ही अचूक उपायों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर में धन से जुड़ी समस्या से परेशान रहते हैं, या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर आपके साथ कुछ और परेशानी होने लगती है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने आम के पत्ते के बहुत ही अचूक उपाय इस वीडियो में बताए हैं, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको इन उपायों को किस तरीके से और कैसे करना होगा। देखिए, कहते हैं कि जीवन में जब कुछ भी ठीक न चल रहा हो तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो जीवन में सुख दुख समय समय पर आते रहते हैं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी जीवन में दुख ना देखे हो या फिर कभी परेशानियों का सामना ना किया हो। ऐसे में कई बार कोशिश करने पर भी असफलता हाथ लगे तो व्यक्ति को हताश ना होकर कुछ टोटके करना चाहिए। जी हाँ, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, समय समय पर उनको याद करते हैं, उनके लिए आई हम आपको एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसे करते ही व्यक्ति के अटके से अटके कार्य पूरे हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनाने और रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए शनिवार के दिन आम के दो फल लेकर उन्हें मौली से एक साथ बांध लें। इसके बाद इन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। बुधवार के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य संबंध मजबूत होते हैं। व्यवसायिक यात्रा से लाभ कमाने के लिए शनिवार के दिन केसर की डिब्बी को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर अपने पास रखें। इसके बाद जब भी किसी व्यवसायिक यात्रा से बाहर जाएं, या फिर अपने कारोबार में जहां पर आप कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उस जगह जाएं, तो केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर निकलें। अगर आप केसर नहीं ले सकते तो एक डिब्बी में हल्दी रख लें, इससे आपको लाभ होगा। आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रखने के लिए घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद दीपक की लौ को देखते हुए 21 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए शनिवार के दिन आम के पेड़ को प्रणाम करें, उसकी जड़ में पानी डालें। अगर आपको आम का पेड़ न मिल पाए तो आम के फल को भी प्रणाम करें। नौकरी में लाभ के लिए आज के दिन आम के 5 साफ पत्ते लें, उसे साफ पानी से धो लें और रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से नौकरी में लाभ मिलता है। साथ ही किसी गुरुवार की सुबह यह टोटका करना है, और इसके लिए एक लोटे में जल भरकर रख लें। अब इसके बाद जल में थोड़ी सी मात्रा में पिसी हुई हल्दी डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ी मात्रा में चने की दाल डालें और थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब उसके बाद सभी सामग्री साथ लेकर किसी भी मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ या किसी पुराने पीपल के पेड़ जिसकी पूजा की जाती हो, ऐसे पीपल के पेड़ के पास जाएं। अब चप्पल आदि थोड़ी दूर उतार दें और दोनों हाथों में जल पात्र को लेकर पीपल की जड़ में इस जल को धीरे धीरे धार बनाते हुए डालते जाएं। ध्यान रहे कि पीपल में जल डालते समय मुख से इस मंत्र का उच्चारण करते जाएं, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको अपने घर पर चले जाना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं और आपके हर काम बनने लगेंगे। साथ ही आपके ऊपर भगवान शिव की भी कृपा होने लगेगी। अगर देखिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कोई भी कमी ना रहे, आपके ऊपर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहे, तो आप आम के पत्ते का एक और बहुत ही अचूक उपाय भी कर सकते हैं, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी आम के पेड़ के पास जाना है और वहाँ से आपको ज़मीन से 21 आम के पत्ते उठाकर लाने हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको आम के पत्ते पेड़ से तोड़ने नहीं हैं, जो ज़मीन पर पत्ते डले हों वही आपको 21 पत्ते वहाँ से उठाकर लाने हैं, और उन 21 पत्तों को आपको जलाकर उसकी भस्म बनाकर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों किसी भी सोमवार के दिन
आप इस भस्म को लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। साथ में आपको एक देसी घी का दीपक लेना, जिसमें आपको गोल वाली बाती रखनी है और एक लोटा आपको जल लेना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको शिव जी को जल से स्नान कराना है और जब शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाएं तब आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है और उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक को जलाते समय आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो आपको बटकेश्वर महादेव से कहनी है। दोस्तों उसके बाद जो आपने भस्म ली है उसमें से आप चुटकी भर भस्म शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और बाकी की भस्म को अपने पास रख लें। आप इसी तरीके से हर सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आप सोमवार के सुबह इस उपाय को जरूर करें। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और आपके ज़िंदगी में कभी भी पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।